Hello guys, मेरा नाम आवा है एंड टुडे 17 मई एंड वी आर ट्राइंग टू प्लान समथिंग. टुडे वी आर ईटिंग स्पेशल ब्रेकफास्ट. आफ्टर दैट वी विल गो एंड सी अ पैरेड इन वास बर्न हो गए. हम जा रहे हैं 17 मई की परेड देखने आइड्सवॉल में. ऑस्को में तो बहुत रश होने वाला है. आइड्सवॉल में आप रश देख लीजिए, गाड़ियां देखिए, हर जगह लगी है. हमारी गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सड़क के साथ है, विच इज़ नॉट अलाउड जनरली बट आज सब अलाउड है. हाँ जी, तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ उस ऐतिहासिक बिल्डिंग के सामने. ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली, ये है जी ऐतिहासिक बिल्डिंग जहाँ पे रचा गया था, अर्थात लिखा गया था, नॉट रचा गया था, नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन सन 1814 में. और ये आइड्सवॉल में ही है, इसे बोला जाता है आइड्सवॉल बिगिनिंग. नज़दीक से दिखाता हूँ. तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, देख सकते हैं आप, फॉर्मल्स में एवरीवन इज हियर. आवा जी भी वहाँ है, उसकी दोस्त वहाँ है. मौसम अच्छा है भगवान की कृपा से. तो अब यहाँ पे सेलिब्रेशंस होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा. और आज मैंने भी फॉर्मल्स पहने हैं. आई एम नॉट अ फॉर्मल गाय, मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगते. तो आप बताइए मुझे मैं कैसा लग रहा हूँ फॉर्मल्स में. नॉर्वेजियंस तो एकदम चकाचक लग रहे हैं, सबने झंडे पकड़े हैं. आवा और शैलजा जी यहाँ है, देखिए आई थिंक लगभग 1000 लोग आए होंगे यहाँ पे. एवरीथिंग इज क्लोज्ड, मेला लगा है. और क्या लिखा है यहाँ पे, ये है जी, We will aus Atland som ar Christ og Frit. यहाँ से अंदर जाएंगे और दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है. ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, उसको बोलते हैं बुनाद. बुनाद आप देख रहे हैं बहुत अलग अलग कलर के हैं वो, इसलिए उनकी वो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. जो आई थिंक ब्लू है वो नॉर्थ का है, ऑरेंज किसी और स्टेट का है, और रेड कोई और स्टेट का है. मुझे इतनी ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन तो नहीं है, अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. पर ये इतनी सुंदर, बहुत सुंदर ड्रेस लगती है मुझे. और ये मुझे काफ़ी, हमारे हिमाचल में भी ऐसी ड्रेस होती है जिसको हम रेशा बोलते हैं, उससे रिजेंबल करता है ये बहुत ज़्यादा. तो वेरी नाइस एंड कलरफुल. तुम कब ले रही हो? कितने की होती है, कॉस्ट बताओ अप्रोक्सीमेटली. अगर लगभग 15,000 से 20,000 नॉक के करीब इसका प्राइस है, तो बहुत एक्सपेंसिव है. और मोस्टली साल में एक बार पहनना है, तो मन तो बहुत करता है. हर 17 मई को मैं सोचती हूँ कि अगले 17 मई के लिए मैं पक्का खरीद रही हूँ, पर फिर प्राइस सेविंग्स हो नहीं पा रही, मैं खर्च लेता हूँ सारे पैसे. Yogi
ये है जी आवा की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड अभी बाना आगे में एबिगेल। तो घंटी बज रही है और हम भी पार्ट है ब्रेंसमॉर्क बारनहागे ट्रेन का। यहाँ पे जो है सब चीजें खत्म हो जाती है। तो ये है वो बिल्डिंग दोस्तों, नजदीक से दिखा देता हूँ, जहाँ पे सन 1814 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॉर्वे लिखा गया था। लेट्स सी इन ऑफ माई हाय हाय कुत्ते भी परेड में पार्ट ले रहे हैं। एवरीवन इज देयर, छोटे बच्चे, और अब जो है आई थिंक फंक्शन आगे सेलिब्रेट होगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक दूर स्टेज सजाया हुआ है। सो ये परेड जो है ये यहाँ पे जाके एंड हो जाती है। मेरे पीछे यही आवा की ब्रेंसमॉर्क बारनहागे की जो परेड है वो भी यहाँ ख़त्म होगी। ये वो जगह है जहाँ पे सभी परेड्स जो हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉप्स हैं, उन सब की परेड्स यहाँ पे ख़त्म होती है इस ग्राउंड में। और आप देख सकते हैं जनता यहाँ पे है मेरे पीछे, सारी की सारी जनता। जो नोटिस करने वाली है कि आज के दिन सब लोग अपने घरों के बाहर झंडे लगाते हैं अपने नॉर्वे के, ऑब्वियसली। तो हम सोच रहे थे जब 15 अगस्त होगा हम भी 15 अगस्त वाले दिन अपने देश का झंडा लहराएंगे। पर चल्स ये मानना पड़ेगा, चलो हमने अपने घर के बाहर झंडा लगाया है और तुम्हारी नॉर्वे के प्रति निष्ठा देखो, तुमने तो झंडा पहन ही लिया है। देखिए हमारा झंडा कुछ लहरा नहीं रहा इतने ढंग के। हाँ क्योंकि तुमने लगाया था सुबह सुबह, है ना। और देखिए सभी घरों के बाहर हुआ है। तो अभी अभी हम सेलिब्रेशन से आए हैं, हमारा बच्चा यहाँ पे है। ये क्या है दिखाओ जरा, नट्स। ओके तो इसके बाद का प्लान क्या है, कहाँ जा रहे हैं इसके बाद, कहाँ जा रहे हैं हम? आपके फ्रेंड्स के होम। मेरे फ्रेंड्स के होम? किन के होम, नाम बता सकते हो फ्रेंड्स का? ओके अब हम आ चुके हैं हमारे फ्रेंड्स के घर, जैसे आपको दिख रहा है पीछे सब लोग। मैं आपको दिखाती हूँ क्या हम कर रहे हैं 17 मई को, इंडियन स्टाइल में 17 मई सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई विल शो यू दैट नाउ। हां जी क्या चल रहा है? क्रिकेट चल रहा है, मैंने बैटिंग पहले ही ले ली। और हम लोग क्रिकेट तो इंडिया में हर गली में खेलते हैं, घर में खेलते हैं, हर जगह खेल सकते हैं, पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि टाई और कोट पहन के क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि आज नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन डे है और हम इंडियन स्टाइल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बॉल देखिए कौन सी है, पिच बॉल से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो मतलब क्रिकेट की इतनी तलब लगी है आज, बहुत सभी गुगली। किड्स आर हियर इन द ट्रैम्पोलिन, हेलो किड्स, ऑल गुड। Let's see. Hello. 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 Looking so pretty. Let's see what's happening inside. Hello, Anu. Hi. Hi, Murali. Ratlera mein aa gaye hain. Yahan pe khane ki taiyariyan. Now tell me, kya kya hai yahan pe? Idhar potatoes bake kar rahe hain. Cocktail samosa. Ye kuch potatoes ka bana hua hai, pata nahi kya hai. Ye nuggets, vegetarian nuggets. Cool. Hummus. ये नींबू राइस, राइट? या लेमन। ये हमस के साथ पीटा। ये क्रिस्पी कॉर्न, क्रिस्पी कॉर्न या और ब्रुशेटा एंड चीज एंड बिस्किट्स। कूल, इतना सारा खाना है। अमन ढोकला, हाँ, चटनी, यस, आम पन्ना, ओके, और पनीर चिली। Yes, तो ये हो रहा है हमारा 17 मई की सेलिब्रेशन, ऐसे हो रही है विद अ लॉट ऑफ फूड। So, अनु आप तो यहीं पे बॉर्न हुए हो, यहीं पे पले बड़े हो, तो आप बताओगे कि 17 में कैसे सेलिब्रेट करा जाता है कुछ और उसके बारे में? नॉर्मली तो बच्चों का सेलिब्रेशन होता है कि सुबह जाके परेड में जाना है स्कूल के साथ, एंड देन स्कूल के वहाँ पे गेम्स खेलनी है। एक वो गेम होता है वो पोटैटो ऑन द स्पून एंड भागना होता है, पोटैटो गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिशिंग रोड होती है उसमें फिर गिफ्ट मिलता है। और कौन से गेम होते हैं वो
एक बैग के अंदर जंप करना होता है, फर्स्ट कॉल आता है, ऐसी गेम्स होती है. एंड देन एवरीवन गेट टुगेदर विद फैमिली एंड दे ग्रिल एंड दे हैव अ नाइस टाइम. जो अभी हम कर रहे हैं. सेवनटीन मई का मेन पार्ट होता है कि हॉट डॉग्स खाने होते हैं, फिर से और आइसक्रीम, वो जो हम नहीं खाते. और सब लोग फॉर्मल्स पहनते हैं, लड़के लोग, राइट? हमने तो ड्रेसेस पहनी हुई है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं आज. पैंट्स और टी शर्ट्स होती है. Yeah, नहीं तो इधर का जो ट्रेडिशनल वेयर होता है ड्यू नॉट, वो सब बच्चों ने पहना हुआ है, तो उसकी वीडियो बनाना, बहुत क्यूट लग रहा है सब. ये क्या ड्रेस पहनी है, कौन बताएगा? ड्यू नॉट. यस, सीधे आर फोर प्रिंसेस. कहाँ की प्रिंसेस है ये चारों? And you, Nishtha? नॉर्वे की प्रिंसेस. पे लगा है ऑल द यमी फूड विद ब्यूटिफुल व्यू, ब्यूटिफुल फूड कुक्ड बाय अस. क्रिकेट खेला जा रहा है, 14 रन बनाए हैं. ऐसी थी हमारी 17th मई की सेलिब्रेशन. और लोग अलग तरीके से बनाते होंगे, बट हमने ऐसे देसी तरीके से बनाई. थोड़ा खाया पिया, क्रिकेट खेला बड़े दिनों बाद. और धवल भाई, जय भाई और अपने करण भाई सभी गुजरातियों के बीच मजा करूँ चो एकदम सरस से डांस करके दिखाओ, डांस एकदम मोरनी वाला. तो आज के लिए इतना ही, होपफुली अच्छा लगा होगा. नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे. नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे.